बापू जी, मैं आप खिला रहे इसलिए हम खा लिए, हमारा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। चलिए कोनो बात नहीं है, बाद में खा लीजिए। बेटा जी, बाबूजी चाहते हैं ना कि अब आप अपना ख्याल रखिए। बहुत तकलीफ सह लिया, बहुत रो लिया बाप। अब बाबूजी ना हमेशा के लिए आपका आंसू पोछने जा रहे हैं। आंसू पोछने जा रहे हैं? ठाकुर साहब, आपने जो काम कहा था वो हो गया। आप बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी बात का पता आपको चल जाएगा। फिलहाल के लिए अपने बाबूजी पर भरोसा रखें। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? हम अपने बेटा जी का ना आंसू का कीमत वसूल करने जा रहे हैं, और हमारा उसूल कहता है आंसू का बदला आंसू ही होता है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। कैसा खा हुआ था तुम दोनों के बीच जो रागिनी बहू को घर छोड़ के जाना पड़ा। अब कहना हमसे कि तुम दोनों के बीच का मामला है, क्योंकि रागिनी बहू के घर छोड़ के जाने के बाद ये तुम दोनों के बीच का नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच का मामला हो गया है। इसलिए साफ साफ बताओ हमको कि क्या हुआ था। रागिनी नहीं आई आपके साथ? वैसे ही मौका तो नहीं है बिटिया, लेकिन ये काम भी जरूरी है। क्या करना जरूरी है विक्रांत जी? अब आप सबको एडवांस में न्योता देने आए हैं। न्योता? कैसा न्योता? कीजिए बहुत घमंड है ना आपको अपना पढ़ा लिखा होने पर। हमारे बेटा जी को आप अपने लायक नहीं समझते, काहे कि वो आपकी तरह वो अंग्रेजी चोचला नहीं जानते। कोनो असुविधा ना हो आपको। अंग्रेजी में छपवाए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। कोनो कम बेसी नहीं ना है। रागिनी फिट्स, अब ये सब क्या है? शादी का न्योता है। अम्मा जी, बाबूजी अभी तक आए नहीं का? नहीं। कहाँ चले गए, कुछ बता के भी नहीं गए? कभी कुछ बता के जाते हैं क्या? उनका जाना और आना सब अपनी मर्जी से होता है। पर तू ये सब चिंता छोड़ और जा, अपने कमरे में जाकर आराम कर। हम पड़ोसन की औरतों के साथ पूजा करके आते हैं। ठीक है। अरे रागिनी बिटिया, तुम कब आई? वाणी दीदी बता रही थी तुम हनीमून मनाने उदयपुर गई थी। सब ठीक ठाक था ना? अब पगला गई हो का? हमने बताया था ना कि विद्वान जी के घर में कितना बड़ा हादसा हो गया, पूरा परिवार बिखर गया है। हाँ तो परिवार तो बिखरेगा ही ना। छोटे बेटे का स्वर्गवास हुआ, बड़ी बहू मैं क्या की बेटी है, इस समय इसे ससुराल में होना चाहिए था। कहीं वहाँ से किट पिट करके तो नहीं आई है?
इसमें किटपिट का कोनो बात नहीं है। अरे बिटिया है, मायके में जब चाहे आ सकती है। वहाँ मन नहीं लग रहा था तो चली आई। वैसे मेरा भतीजा समर भी गया था उदयपुर, उसने तो इन लोगों को देखा भी, मुलाकात नहीं हो पाई। पता नहीं कौन सा होटल बता रहा था। अरे बिटिया, तुम लोग कौन सी होटल रुके थे वहाँ? सिस्टी, सिस्टी का फोन है, हम उससे बतिया के आते। हाँ सिस्टी, सिस्टी वो हम तुमसे जो है ना सारी कहना चाहते हैं। सबसे पहले जब से हम यहाँ पर आए हैं, एक बार भी तुम्हारा खबर नहीं ले पाए, अपनी परेशानी में उलझे हुए थे हम सारी। सिस्टी तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं रागिनी, इसमें सॉरी बोलने जैसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं तुम हमारी फिक्र करती हो, और ये भी जानते हैं कि तुम इन दिनों थोड़ी परेशान हो। हम ऐसे नाजुक समय पे हम तुमको छोड़ के यहाँ बाबूजी के घर पर आ गए हैं, तुम नाराज होगी ना हमसे? नहीं रागिनी, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। हम जानते हैं तुमने जो कुछ भी किया वो गुस्से में किया, और तुम्हारा गुस्सा सही भी है। बाकी हम ये सोच के परेशान है कि ये जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से हुआ है। ना ही हम तुम्हें संगिनी बनने का आइडिया देते हो। नहीं, नहीं नहीं सिस्टी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वो तुमने तो हमें मजाक करने के लिए कहा था, वो हमारा इज्जत था मिस्टर जी का सच्चाई जानने के लिए, और उनका सच्चाई जो है वो हम जान भी लिए। बेटा जी आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं बाबूजी, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इस घर में हमारी जगह नहीं है, ये हमें समझे में आ गया है। अम्मा जी ठीक कहती है, लड़की का कोनो घर ही नहीं होता है। और हम देखो ना कितना पगलेट है कि जिस घर में जाते हैं उस घर को ही अपना मान लेते हैं। आप जिस घर से हमें लेकर आए हैं ना वापस बाबूजी, उसको भी जो है हम अपना ही घर समझ लिए थे, पर वहां से जो है हमें धोखा खा के निकलना पड़ा। उसके बाद हम यहाँ आए, और यहाँ आए तो पता चला कि आपके सर का ताज होने के बजाय जो है हम आपके पेट का बोझा बन गए हैं बाबूजी। जिससे आप जो है वो जल्द से जल्द मुक्ति पाना चाहते हैं। इतना बड़ा बात कह दिए बेटा जी। बेटा जी आप हमारे लिए बोझा कब से बन गए? आप गुरूर हैं हमरा, और गुरूर को पाला जाता है, बढ़ाया जाता है, मुक्ति नहीं पाया जाता उससे। अगर ऐसा बात है बाबूजी, तो ये मिठाई किस बात का है? कौन सा खुशखबरी सुनाने गए हैं उनको आप? काहे का खुशखबरी दे आए आप? बाबूजी हमारा दूसरा ब्याह कराना चाहते हैं। क्या? और उसी का न्योता देने गए थे वो हमारे ससुराल में। बाबूजी हम दूसरा शादी नहीं करेंगे, भले ही मिस्टर जी ने हमारे प्यार को जो है मिट्टी समझ लिया, लेकिन हमारा प्यार तो सच्चा था ना, और हमारे लिए जो है किसी दूसरे को चुनना असंभव है। दूध से मिठाई बनता है, लेकिन मिठाई से ना फिर दूध नहीं बन सकता। इसलिए हम फैसला कर लिए हैं कि हम दोबारा शादी नहीं करेंगे, और ये हमारा अंतिम फैसला। अहंकार दिखता है पर वो अनुराग का नहीं। कोई हमारे बेटा जी को अगर कमजोर या छोटा साबित करे ना, ये बात हमको बर्दाश्त नहीं होता है। फिलहाल आप और बेटा जी दोनों भावनाओं का गिरफ्त में हैं,
लेकिन बहुत जल्द आप लोग ये बात समझ जाइएगा कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ना कड़ा फैसला ही लेना पड़ता है। भावना में बहकर कमजोर फैसला नहीं लिया जाता। पर आप चिंता मत कीजिए, रागिनी का शादी उसका मर्जी से होगा और जहां चाहेगी वहां होगा। और ये रागिनी कभी नहीं चाहेगी। जरूर चाहेगी, हम समझाएंगे उसको। बेटा जी का जिंदगी ना हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। रागिनी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारी बात हुई है रागिनी से। रागिनी के बाबूजी का गुस्सा सबको पता है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको रागिनी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। उसके दिल में चोट पहुंची है। उसको लगता है कि आपको संगनी जैसी लड़की अच्छी लगती है। लेकिन संगनी नाम की कोई भी लड़की जब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कैसी प्रॉब्लम, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ नहीं आ रही है। माना संगनी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन रागिनी की इनसिक्योरिटीज तो एग्जिस्ट करती है ना अनुराग जी। रागिनी के मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि उसने आपको जबरदस्ती से हासिल किया है और आपने संगनी की तरफ झुककर उसके इस कॉम्प्लेक्स को साबित कर दिया। जिंदगी में पहली बार उसे हीन भावना का एहसास हुआ है। उसे लगा कि वो हार गई। सिस्टी, मैंने रागिनी को समझाने की पूरी कोशिश की है, अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, सब कर लिया, पर क्या इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है क्या? मैंने तो सुना था कि प्यार की लड़ाई में हमेशा जीत प्यार की होती है, लेकिन यहाँ मैं क्यों हार गया? आप दोनों में से कोई नहीं हारा है और ना ही प्यार की लड़ाई खत्म हुई है। अनुराग जी, आपको उसे यह एहसास दिलाना होगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है, कि आपको उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। और जो रिश्ता उसने जबरदस्ती बनाया है उसे बनाए रखना अब आपकी जिद है। उसे ये बताने में ज्यादा देर मत कीजिएगा, पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। रिश्ते गलती से नहीं, गलतफहमी से टूटते हैं। तो ठीक है मिसेस अनुराग रागिनी सिंह, मैं तुमसे अपने प्यार का ऐसा इजहार करूंगा कि तुम जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाओगी और तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही नाम याद रह जाएगा और वो होगा अनुरागिनी। अरे छोटकी भाऊजी पढ़ा लिखा है, उसको इस सब आडंबर में विश्वास नहीं है, तो मैं क्या गलत है? अरे बारे दुलारी, अरे हमारे जो पुरखे पुरानिया नियम कानून बना के गए हैं वो सब तुम्हारी भौजी को आडंबर लगता है? अगर ये सब आडंबर है तो ये सब करने का क्या जरूरत था? ले आती लाली सिंदूर लगा के बाहर। अरे लालिया सिंदूर का है, गहना गुड़िया ऊंची एरी का हील भी पहना देती। अरे इसको कहो कि हमारे रीति रिवाज को तोड़ने की कोशिश ना करे। माफ कीजिएगा, हमें औरतों के मामले में बीच में बोलने का बिल्कुल भी आदत नहीं है। पर आज आप लोगों ने सृष्टि को लेकर जो कुछ भी बोला उससे हमको यह लगा कि इस 22 साल की लड़की ने हमारे हजारों साल पुराने रीति रिवाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे ना करी जिंदा रही तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, इसके मर जाने में इस समाज का भला है। कहा और इन्हें एक काम आप लोगों को ही करना है, कहा के हमारे अंदर तो इतना हिम्मत है नहीं, लीजिए लकड़ी और जला डालिए इस लड़की को। क्या हुआ, ऐसे चुपचाप काहे खड़े हैं आप लोग? हिचकिचाइए मत, जला डालिए उस लड़की को। वैसे भी अभी जी के क्या करने वाली है, इसका पति तो मर गया ना,
तो इसकी जिंदगी तो एकदम बेरंग हो गई है। इसकी जिंदगी में काला और सफेद अब बस दो ही रंग बचा। लगता है आप लोगों से नहीं होगा। सिसी बहू, तुम इनका इंतजार मत करो, लो लो ये लकड़ी और खुद को आग लगा लो। लो ये क्या कर रहे हैं बड़का फूफा? पाए एकदम मेरी छोटकी बहू जी को आप सती बना के छोड़ेंगे का? बड़का फूफा, जब कानून ने इस बात को गलत मानता है तो आप काहे ऐसे कर रहे हैं? अरे कानून बदलने से क्या होगा दुलारी? जब तक इन लोगों का मन नहीं बदलेगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और वैसे भी ऐसे समाज में हमारी बहू जी के क्या करने वाली है, जहाँ कुछ भी करने से पहले ये सोचना पड़े कि ये समाज उसे करने की इजाजत देगा कि नहीं देगा। दुलारी, कानून ने हमारी बहू को पति की चिता में जलने से तो बचा लिया, पर ये रीति रिवाज, ये परंपराओं की जो चिता बना रखी है इस समाज ने, अरे इससे इसे कौन बचाएगा? श्रृंगार हम आपके लिए करते थे मिस्टर जी, थोड़ा सा तारीफ सुन के कैसे हीरोइन समझने लगे थे खुद को, लेकिन आपने हमारा सारा मान चूर चूर कर दिया। आपका सारा तारीफ झूठा था, मजाक बना के रख दिया आपने हमारा। लेकिन अब हम अपना मजाक नहीं बनने देंगे। हम जैसे थे ना, अब हम बिल्कुल वैसे रहेंगे। क्योंकि एक बात तो जान लिए मिस्टर जी, हम किसी के लिए खुद को बदलना ना बहुत बड़ा पागलपन है, और ये पागलपन अब हम नहीं करेंगे। चलो ना रागिनी, अरे कहां तमाशा हो रहा है हमारे द्वार पे जी? अंदर चलिए बेटा जी। रागिनी, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। रागिनी जानती हो, तुम्हारे चले जाने के नाम से ही मेरा दिल चल जाता है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना कोई कभी आया है और ना ही कभी आएगा, कभी नहीं। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, चाहे जैसा भी रागिनी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। I'm only yours। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारे अनुराग तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। प्लीज रागिनी, कुछ कहोगे नहीं? प्लीज कुछ कहो ना रागिनी।
हमने भेजा है ये वीडियो आप सबको। हमारा भतीजा लेके आया था इसे उदयपुर से। हम तो इसे देखते ही सारा मामला समझ गए थे। अरे साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बिटिया ससुराल छोड़ के चली आई है। वानी बहन, हम ये नहीं जान पाए वो कौन लड़की है जो दामाद जी के साथ डिस्को में डांस कर रही है। अरे वो तो अगर बता दिया कि रागिनी ही संगिनी है तो सब रागिनी को दोष देंगे, क्या करें हम। मैं बताता हूँ। रहने दो बाबूआ, तुम हमें क्या बताओगे। तुम तो बड़का खिलाड़ी निकले, एक तरफ घर वाली दूसरी तरफ बाहर वाली। बताओ क्या शरीफ लोगों के घर में ये सब होता है। अरे बहन, जब बंदूक दिखा के दूल्हा उठा लाएंगे तब ये सब होगा ना। अरे बहन, पत्नी का गुण होता है पति को रिझा के रखे, लेकिन पति को गुंडई और दंगई से तो नहीं रिझाया जा सकता। उसके लिए प्रेम और समर्पण जरूरी है। अरे वो सब तो अपनी बिटिया रागिनी में है ही नहीं। बहन, हम अनुराग का दोस्त नहीं मानते हैं। अब ये वीडियो वाले लड़के को देखो, कैसी फैशन वाली है। अब लंदन से आए हुए लड़कों को तो ऐसी लड़की पसंद आएगी ना। अब रागिनी तो फैशन के मामले में एकदम फुहार है। वो में वो कहा है और नजाकत वाला बात है ना। देखो रागिनी, तुम इन लोगों की बात पे ज्यादा बहुत मत कर। देखिए, हम आप लोगों का ना औरत होने का लिहाज कर रहे हैं, इससे पहले कि वो लिहाज हम छोड़ दे। निकल जाइए, सामने दरवाजा है। लिहाज छोड़ के क्या करिएगा, पहले तो खुद ही बंदूक की जोर पे शादी करवाते हैं, फिर लड़के को जबरदस्ती अपनी लड़की पसंद करने को कहते हैं। अरे विकराल बाबू, सारी बिरादरी थूक रही है आप और आपकी बिटिया पर। अब हम लोगों पर गोली चला के और नाम कमा लीजिए। चलो बहन, चलो। रागिनी, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग सब बकवास कर रहे हैं। रागिनी देखो, रागिनी तुम्हें मेहमान के साथ ना ऐसा व्यवहार नहीं करते बाबूजी। अनुराग जी अब हमारे दरवाजे तक आए हैं, इसलिए आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। अब जब आप आ ही गए हैं तो हमारी शादी तय होने की खुशी में जो है मिठाई खा के जाइएगा। बिटिया, तुमने दामाद जी को ऐसा काहे कहा, तुमने तो मना कर दिया था ना दूसरी शादी के लिए। जब तुम अपने बाबूजी के दिखाए हुए रास्ते पे चल ही दिए हो तो यहाँ खड़े खड़े आंसू बहाने का क्या मतलब है। दामाद जी, आंसू कौन बहा रहा है। अरे मुंह धो के आया ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। जानती नहीं होगा अपनी बेटी को, रोती थोड़ी है, उड़ा देती है समझे। राज के बाद ना हम किसी के लिए भी जो है ना अपना आंसू नहीं बहाएंगे, कभी भी नहीं। क्या है अम्मा ये सब, भेजो ना किसी नौकर को, साफ सफाई कराना है हमें। राज ना अम्मा जी, बहुत भूख लगा है हमें। एक काम करो ना, हमारा फेवरेट जो है ना लिट्टी चोखा वो बनवा दे, एकदम लल्लन टाप बनवाना अम्मा जी। आज पेट भर के खाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। भूख लगा है बहुत जोरों से।
सही फैसला लिया है बेटा जी आपने। जिंदगी में ना कभी अपना सर ना झुकने दीजिएगा। आदमी का इज्जत से बड़ा कौनो चीज नहीं होता है बेटा जी। ये जो फोटो है ना बेटा जी का कमरे से निकलवा दीजिए। काय बाबूजी, आपको अपनी बेटा जी पे जो है भरोसा नहीं है का? ये फोटो हमारे सामने रहेगा और इसको देख के जो है हम कभी आंसू नहीं पाएंगे, कभी नहीं। ऐसा कोनो बात नहीं है बेटा जी, पूरा भरोसा है आपके ऊपर। अच्छा है बाबूजी, अगर ऐसा बात नहीं है तो। अरे हम भी है ना ससुराई टंटा से बहुते उग गए हैं। आज अम्मा जी जो हमें है ना पेट भर के खाना खाएंगे, उसके बाद जो है बाबूजी हम और आप है ना बैठेंगे, काम का बात करेंगे बहुत दिनों के बाद। एक बार हमारा काम में जो है ना मन रम जाएगा ना, उसके बाद हमें कोई भी बात परेशान नहीं करेगी। हम जानते ये बात को। देखा, ये है हमारी बेटा जी रागिनी सिंह। बैठते हैं आज दोनों बहुत दिनों के बाद। जरूर आइए बेटा जी। वो तिवारी बहुत दिनों से नहीं आया हूँ। आएगा कल आपको सलाम करने के लिए। आने दो, ससुरे से निपट लेंगे। माँ को कह के ना ये पर्दा जो है चेंज करा ले। मैं यहीं रहूंगा और अगर मैं यहां से गया तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। सुनो, मेरी फिक्र मत करना, मैं एकदम आराम में हूं। और देखो ना, अब तो तुम्हारे साथ मैंने रोमांटिक डिनर भी कर लिया। अब पेट जो है ना वो अच्छे से भर गया है। अब आए सुकून की नींद। अरे बाप रे, आई एम ओके। ऐसा बेड तो कभी लाइफ में मिला नहीं, आज मिला, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। क्या यार, एक तो मोहब्बत की ये तन्हाई, ऊपर से हमारे महबूब, क्या खूब क्या खूब क्या खूब। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।